How to connect Google Analytics with your blogger website? अपनी ब्लॉगर वेबसाइट के साथ गूगल एनालिटिक्स को कैसे कनेक्ट करना है? अगर आपने अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है और आपके आर्टिकल के ऊपर कुछ विजिटर्स आने लगे हैं, आपको दिख रहा है वहाँ पे कि आपके आर्टिकल के ऊपर व्यूज हैं, तो आप जरूर ट्रैक करना चाहते होगे, देखना चाहते होगे यार कि कितना ट्रैफिक मेरी साइट के ऊपर, मेरी ब्लॉगर वेबसाइट के ऊपर आ रहा है। तो ये ट्रैफिक देखने के लिए आपका सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल आता है, वो है गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स के थ्रू आप डिटेल में एनालाइज कर सकते हो कि आपका कितना ट्रैफिक आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, किस लोकेशन से आ रहा है, अभी प्रेजेंट टाइम में, रियल टाइम में कितने एक्टिव यूज़र आपकी साइट के ऊपर हैं, कौन से डिवाइस से आपका ट्रैफिक आ रहा है, मोबाइल से आ रहा है, डेस्कटॉप से आ रहा है, और किस एज में आ रहा है, तो सब कुछ आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हो, देख सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो ब्लॉगर वेबसाइट है वो गूगल एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल और ईजी वे में बताऊँगा कि गूगल एनालिटिक्स को कैसे कनेक्ट करते हैं ब्लॉगर वेबसाइट के साथ। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल के ऊपर SEO, ब्लॉगर, वर्डप्रेस, ब्लॉगिंग, बैकलिंक्स, इन सबसे रिलेटेड वैल्यूएबल कंटेंट इस चैनल के ऊपर आता है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो एंड जंप टू माई कंप्यूटर स्क्रीन। चलिए देखते हैं गूगल एनालिटिक्स को अपनी ब्लॉगर वेबसाइट के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। आपको सिंपली अपने क्रोम ब्राउजर के ऊपर आना है और उसे ओपन करना है, और यहाँ पे आपको सर्च करना है गूगल एनालिटिक्स। तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर जो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म डॉट गूगल डॉट कॉम आपको दिखेगा, आपको सिंपली उसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। आपको सिंपली यहाँ पे साइन इन टू एनालिटिक्स के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस लोड होगा, ठीक है, और यहाँ पर ये हो सकता है थोड़ा सा टाइम ले। तो यहाँ पे आपको अब स्टार्ट मेजरिंग के ऊपर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएशन से लेके डाटा कलेक्शन तक यहाँ पे कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सो स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे सब कुछ देखते हैं और आपको सब कुछ ध्यान से फॉलो करना है। आपको सिंपली यहाँ पे सबसे पहले आपके अकाउंट का नाम देना है, जो भी आप ये अकाउंट बनाना चाहते हो उसका नाम आप क्या रखना चाहते हो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे मैं नाम कुछ रख लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नीचे आऊंगा तो यहाँ पे कुछ चेक्स रखे हैं, आप चाहो तो इनको यहाँ से हटा सकते हो, आप चाहो तो सबको चेक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी पूरी मर्जी है, तो एक बार उसको देख लेना और चेक अनचेक कर देना अपनी मर्जी के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके हम नेक्स्ट पेज के ऊपर आ गए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी का नेम आपको देना है, ठीक है। मतलब जो आप वेबसाइट कनेक्ट कर रहे हो उसका नेम आप यहाँ पे क्या रखना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं ये नेम रख देता हूँ, आपकी मर्जी है। अगेन आप चाहो तो सेम नेम रखो, आप चाहो डिफरेंट रख दो, आपकी मर्जी यहाँ पे टोटली। अब यहाँ पे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स है, तो आपको यहाँ पे सिंपली इंडिया कर, तो यहाँ पे आपको इंडिया टाइप करना है, तो इंडिया यहाँ पे डाल दो तो इंडिया आपका आ जाएगा सिंपली। अब नीचे आप देखो तो यहाँ पे US डॉलर में करेंसी है, इसको आप रुपीज में कर सकते हो, यहाँ पे US डॉलर में रहने दो, आपकी मर्जी है। तो मैं इसको US डॉलर के अंदर रहने देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इससे। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई जो आपके इंडस्ट्री है वो किस चीज से रिलेटेड है, सो अपनी वेबसाइट के निश के अकॉर्डिंग अपनी इंडस्ट्री जो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर मैं बिजनेस कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ पे आपकी कोई टीम नहीं है तो इसके ऊपर क्लिक कर देना, या कोई टीम है तो क्लिक कर लेना अपने हिसाब से। तो यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे पूछा है कि भाई आपका ऑब्जेक्टिव क्या है अपने गूगल एनालिटिक्स को यूज करने के लिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी हमारा ट्रैफिक है वो देखना है कि भाई क्या ट्रैफिक है। तो हमें क्या करना है, अपना जो बिहेवियर है, मतलब यूजर का बिहेवियर, मतलब हमारी साइट के ऊपर क्या है, कौन से पेज के ऊपर आ रहा है, वो सब देखना है, ठीक है। तो बाकी भी आप चेक कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो अब ऐसा कुछ पॉपअप आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट लिखा है, तो यहाँ पे एक बार इंडिया कर देते हैं। तो इंडिया यहाँ पे कर दो, एक बार लिख दो, और यहाँ पे इंडिया आ चुका है तो इंडिया सेलेक्ट कर लो, और यहाँ पे एक्सेप्ट कर लो, और यहाँ पे भी आपको सिंपली आई एक्सेप्ट के ऊपर करना है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो आपकी प्रॉपर्टी और आपका अकाउंट है वो क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो हमें क्या करनी है, वेबसाइट कनेक्ट करनी है, ब्लॉगर की वेबसाइट कनेक्ट करनी है, या फिर हमें एंड्रॉयड ऐप या फिर iOS एप्लीकेशन हमें यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करनी है, हमें सिर्फ वेबसाइट कनेक्ट करनी है। तो वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर देंगे। सो अब आपके सामने कुछ ऐसा पॉपअप आएगा, और यहाँ पर क्या करना है, आपको वेबसाइट का नेम डाल देना है, और आपको यहाँ पे अपनी वेबसाइट का URL डालना है। यहाँ पे HTTPS तो यहाँ पे ऑलरेडी है, तो आपको बाकी का इस फॉर्मेट के अंदर डालना है। तो यहाँ पर WWW कर देते हैं हम लोग,
और यहाँ पे डॉट भी कर दे। सो बाकी पोर्शन यहाँ पे फिलअप करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली अपनी ब्लॉगर वेबसाइट के ऊपर आना है, उसका डैशबोर्ड ओपन करना है और यहाँ पे व्यू ब्लॉग के ऊपर क्लिक करना है। तो आपका जो ब्लॉग है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको क्लिक करना है डबल, और यहाँ से आपको जो जो लास्ट का पोर्शन है ना HTTPS, ये जो है इसके बाद का जो लास्ट का ऑप्शन है वो आपको कॉपी करना है यहाँ से, और यहाँ पे आके आपको एनालिटिक्स के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो आपकी ये जो साइट है वो यहाँ पे मैंने इस तरीके से URL डाला है, तो आपको भी इसी तरीके से डालना है, तो ध्यान से देख लो इसको। ठीक है, और यहाँ पे आपको सिंपली क्रिएट स्टीम के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ये कुछ लोडिंग लेगा, आपका जो स्टीम है वो सेटअप कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है देखो, आपका जो है आपका यहाँ पे लोडिंग होगा, कुछ ऐसा पेज आएगा। ठीक है, और आपका जो है अकाउंट है वो यहाँ पे करीब सेटअप होने वाला है। कुछ ऐसा पेज ऑटोमेटिकली यहाँ पे लोड हो जाएगा। अगर ये पेज यहाँ पे ऑटोमेटिकली लोड नहीं हुआ तो आपको क्या करना है, सिंपली मैं आपको बताता हूँ। ये पेज तो यहाँ पे लोड हो जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, तो आपको यहाँ पे व्यू टैग इंस्ट्रक्शंस के ऊपर क्लिक करना है सिंपली, तो यहाँ पे लोडिंग होगी और आपका जो पेज अभी आया था वो अगेन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर ये ऑटोमेटिकली नहीं आता है तो। ठीक है, और अब आपको यहाँ पे इंस्टॉल मैन्युअली के ऊपर आना है, और आपको जो ये कोड आपको दिख रहा है ना, ये जो कोड है यही मेन कोड है, आपको सिंपली इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। अब ये कोड को हमें क्या करना है, अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाना है, अपनी ब्लॉगर वेबसाइट के ऊपर लगाना है। अब आपको अपनी ब्लॉगर वेबसाइट का वही डैशबोर्ड ओपन कर लेना है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है, यहाँ से आपको सिंपली अपनी थीम के ऊपर आना है, और यहाँ पे देखो कस्टमाइज लिखा है ना, उसके नीचे यहाँ पे ये छोटा सा जो डाउन की साइड में एरो है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे एडेड HTML के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे कुछ आपका कोडिंग पार्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने हेड सेक्शन के अंदर इस कोड को पेस्ट करना है। अब वो कैसे करोगे, तो यहाँ पे आप देखो तो आपको ये दिखेगा यहाँ पे हेड लिखा हुआ है। ठीक है, तो मतलब जो आपका हेड सेक्शन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको यहाँ पे ही सबसे ऊपर में हेड सेक्शन के एकदम नीचे अपने कोड को यहाँ पे लगाना है। अब वो कैसे लगाएंगे, आपको सिंपली हेड के यहाँ पे बगल में आना है और यहाँ पे इसको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एंटर करना है। अब देखो यहाँ पे स्पेस यहाँ पे बन गया। अब आपको यहाँ से क्या करना है, CTRLV करना है। CTRLV करते ही जो आपका कोड है वो आपके एकदम हेड के नीचे जो हमने स्पेस बनाया था वो यहाँ पे पूरा का पूरा लग चुका है। इस तरीके से आपका जो कोड है वो यहाँ पे लग चुका है। देखो अगर यहाँ पे आपने कुछ गलती कर दिया ना, कुछ भी हिल गया है, क्योंकि हिलाना आपको यहाँ पे नहीं है कुछ भी गलती से, ये आपको बहुत सावधानी से लगाना है। अगर कुछ भी गलती से कुछ भी टाइप हो गया है ना, तो आप यहाँ पे CTRL Z करोगे ना, CTRL दबाओगे और साथ में आप Z दबा दोगे ना, तो जो भी आपने किया है वो यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मेरा यहाँ पे रिवर्स हो चुका है, तो एक बार मैं अगेन इसको कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे कोड लगा देना है। अब ये कोड आपका जो है वो आपके हेड सेक्शन के अंदर यहाँ पे लग चुका है। अब आपको क्या करना है, इस जो फाइल है आपकी जो ये, इसको आपको सेव करना है। सेव करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे ये कॉर्नर के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है और आपका जो ये है कोड है ये यहाँ पे लग चुका है और ये अपडेट हो चुका है। अब यहाँ से इसको हटा दो सिंपली, और ये आपको इसको रिफ्रेश कर लो एक बार सिंपली। अब आपको क्या करना है, आपने सीधा एनालिटिक्स के ऊपर आना है और यहाँ से इसको हटा दो सिंपली, और इसको भी यहाँ से हटा दो। ठीक है, और यहाँ पे कुछ ऐसा लोडिंग ये अपने ऊपर ले लेगा, और जो ये हमारी वेबसाइट है गूगल एनालिटिक्स उससे कनेक्ट यहाँ पे हो चुका है। मगर यहाँ पे दिखा रहा है कि जो आपका डाटा है ना वो 48 आवर्स तक यहाँ पे शो होगा, तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा, डाटा कलेक्शन इस यहाँ पे पेंडिंग है, वो 48 आवर्स के अंदर आपकी वेबसाइट के ऊपर जो भी डाटा होगा वो दिखाने में ही आपको इतना समय लेगा। तो यहाँ पे कंटिन्यू पे होम के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ ये लोडिंग देगा और कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आप इन सबको चेक कर सकते हो या फिर अनचेक कर दो, आपकी मर्जी है, इसको सेव कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो है वो ये इंस्टॉल यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, और आपका यहाँ पे डाटा 48 आवर्स के अंदर आपको दिखने लग जाएगा। ठीक है, अगर आपने अच्छे से कोड लगाया है और उसको सेव कर दिया है तो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अपनी ब्लॉगर वेबसाइट को अपने गूगल एनालिटिक्स के साथ में यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत ज्यादा वैल्यू मिली होगी।
अगर आप गूगल सर्च कंसोल को भी अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो अगर वो वीडियो मैंने पब्लिश कर दी होगी तो आपको ऊपर आई बटन के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में या फिर एंड स्क्रीन जो अभी आएगी वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी, तो आप उसको भी जाके देखना, वहाँ से भी जाके सीखना, उसको भी कनेक्ट करना आपको ज़रूर सीखना है क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और यहाँ पे आपको मेरी इंस्टाग्राम का यूज़र नेम भी विजिबल हो रहा होगा, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो और आप मुझे पर्सनल डीएम कर सकते हो, एसईओ, बैकलिंक, ब्लॉगिंग, एनीथिंग कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, सभी के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो, इस चैनल के ऊपर बहुत वैल्यूएबल कंटेंट आने वाला है, आई एम श्योर बहुत ज़्यादा वैल्यू आपको इस चैनल से मिलेगी। तो मिलता हूँ मैं आपसे एक और नई वैल्यूएबल वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।